लो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो ईसीएस टिटियन ब्रेसिया का आज के दिन का यहाँ पर तीसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा ब्रेसिया सीसी वर्सेस जिन्ना ब्रेसिया के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो मैच 4 बजे स्टार्ट होगा यहाँ पर दोपहर में। मैच सेम ग्राउंड पर ही खेला जाएगा, बैलेंस सरफेस है, एवरेज स्कोर 80 से 120 या फिर इससे भी थोड़ा कम बन सकता है यहाँ पर एवरेज स्कोर। अब तक यहाँ पर एक मैच हुआ है जो कि आज पहले बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर वो मुकाबला जीता था। तो अब पहले बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर ब्रेसिया सीसी की टीम की। तो इनकी टीम ने एक मुकाबला खेल लिया है और वो मैच इनकी टीम यहाँ पर जीत गई थी, आपको पता होगा ये बात, जीत चुके हैं इनके मैच। वो मैच यासिर दुल्लू और साजिद खान अफरीदी ने इनकी तरफ से ओपन किया था। यासिर दुल्लू पहले मैच में जल्दी आउट हो गए 8 रन करके, लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया हैं। 33 T10 के मुकाबलों में इनके नाम 525 रन है, मतलब बैटिंग करना अच्छे से जानते हैं। साजिद खान अफरीदी पहले में 9 रन 2 विकेट थे और अपने कप्तान थे और बंदे ने बिल्कुल निराश नहीं किया। कप्तान क्यों बनाया था, रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ कि 6 डोमेस्टिक T20 में 52 रन 6 विकेट है 24 ओवर डाल के, और क्लब T20 में 4 मैच में 167 रन 41 कवर 3 विकेट है, मतलब बैटिंग भी करता है और साथ के साथ 2 ओवर डालता है, तो इसको फिर से अपन को टीम में रखना है। इमाद खान पहले मैच में 20 रन की बहुत बढ़िया पारी इसने यहाँ पर खेली थी। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 35 T10 में इसके नाम देख सकते हो आप यहाँ पर 370 रन 16 कवर 10 विकेट है। हालांकि बॉलिंग पहले मैच में बिल्कुल नहीं करवाई लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। नवीद चौधरी, इन्होंने भी अच्छी बैटिंग की थी, 21 रन किए थे, 33 T10 में 164 रन 9 का एवरेज है, क्योंकि ज़्यादातर इनकी बैटिंग नहीं आती लेकिन आज आई थी इनकी बैटिंग यहाँ पर। फिर आएंगे आज से क्लब सजाद, इन्होंने 4 रन किए, 2 ओवर डाले, विकेट नहीं मिला। अब देखो स्मॉल लीग में तो थोड़े रिस्की बन गए हैं क्योंकि विकेट इनको मिल नहीं रहा और बैटिंग नीचे कर रहे हैं और बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे पिक रहेंगे। क्यों रहेंगे ग्रैंड लीग के अच्छे पिक, क्योंकि आप देखो 35 T10 में इस बंदे के नाम 94 रन और 11 विकेट है 30 ओवर डाल के, और पहले मैच में इसने बैटिंग भी की और बॉलिंग भी करवाई, तो GL का बहुत अच्छा पिक रहेंगे। मोहम्मद साकिब सिर्फ 5 रन किए T10 में, 8 मैच में 74 रन इनका पुराना रिकॉर्ड है। ओवेस अमजाद सिर्फ 6 नॉट आउट हैं। इमरान नवीद पहले मैच में इनके नाम 1 नॉट आउट और 2 विकेट था, और इमरान नवीद भाई बहुत अच्छा बॉलर है क्योंकि डेथ में बॉलिंग करा रहा है, तो इसको अपन छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, यहाँ पर बिल्कुल टीम में रख के चलना है। 15 मैच में 14 विकेट ये इसका पुराना रिकॉर्ड है। नासिर हुसैन 9 बैटिंग है। बासर खान पहले मैच में भले ही 1 विकेट मिला हो लेकिन टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण बॉलर है, इसके नाम अगर आप देखोगे 24 T10 में 18 विकेट है 39 ओवर डाल के। जावेद मोहम्मद पहले मैच में 1 विकेट मिला, मैंने आपको बता ही दिया था पहला और तीसरा ओवर ये डालता है, 19 मैच में 14 विकेट इसका पुराना रिकॉर्ड है। तो देखो अभी के लिए मैं यहाँ पर जो स्मॉल के प्लेयर पिक करूँगा ना वो है यासिर दुल्लू, साजिद खान अफरीदी, इमाद खान। अगर आप यासिर दुल्लू को नहीं रख रहे तो फिर आप नवीद चौधरी को रख सकते हो, और बॉलर में इमरान नवीद, बसर खान और जावेद मोहम्मद को रखूँगा। बेंच पर जो भी प्लेयर है इनमें से अगर कोई खेलता है उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे जावेद मोहम्मद, साजिद खान अफरीदी, डेथ के ओवर डालेंगे इमरान नवीद और साजिद खान अफरीदी। तो बात हो गई एक टीम की। अब बात करेंगे जिन्ना ब्रेसिया जिनका ये पहला मैच होगा, और इनकी टीम भी अच्छी खासी टीम है। अब देखो ये जो मैच है ना ये टक्कर का मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमें अच्छी हैं। अब इनकी तरफ से फ़हीम नाज़िर और निशार अहमद ओपन करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं फ़हीम नाज़िर ना हर मैच में ओपन नहीं करता, कभी कभी ओपन करता है, कभी कभी जनकावास से ओपन करवा लेते हैं, तो इनके ओपनर फिक्स नहीं है, तो आफ्टर टॉस जो बैटिंग ऑर्डर आएगा वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है लिंक, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही मैं आपको बताऊँगा कि भाई ये मतलब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ओपन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखो फ़हीम नाज़िर जो है ना लेफ्ट हैंड बैटिंग करेगा, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करवाएगा, 18 T10 में 397 रन 30 का एवरेज 11 विकेट है 29 ओवर डाल के इसके नाम T10 में, जो कि बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, जबकि T20 में 2 मैच में 75 रन 2 विकेट है 6 ओवर डाल के। तो फ़हीम नाज़िर को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, टीम में रखना है। निसार अहमद, इसका जो मेन काम है वो बैटिंग करना है, 41 T10 में 840 रन है बंदे के नाम 24 का एवरेज है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है। देखो स्मॉल लीग में भले ही ना रखो लेकिन ग्रैंड लीग में रखना है, और इसका जो सिलेक्शन रेट है अभी बहुत कम है। हसन अहमद 52 मैच में 956 रन 28 का एवरेज है, एक और तगड़ा बैट्समैन है।
जनका वास जो है बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करेगा। 17 T10 में 119 रन, 16 विकेट इसके नाम है, 23 ओवर डाल के। हालांकि हर मैच में 2 ओवर नहीं डालता, फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आएंगे यहाँ से मोहम्मद रिजवान, राइट हैंड बैटिंग राइट आर्म स्पिन बॉलर है। इनका भी जो मेन काम है वो बैटिंग करना है। 23 T10 में 204 रन, 15 का एवरेज है, जबकि T20 में 3 मैच में 107 रन, 53 का एवरेज है। तो अगर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं मोहम्मद रिजवान तो ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, अदरवाइज उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं रहेंगे। फिर आएंगे ऐसे चरित फर्नेंडो, जिसके नाम 7 T10 में 68 रन, 3 विकेट है, 3 ओवर डाल के, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इमरान मोहम्मद के नाम 40 T10 में 315 रन, 29 विकेट है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है और मस्ट पिक रहेगा। फिर आएंगे ऐसे सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह भी टीम का एक इंपॉर्टेंट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। 20 T10 में इसके नाम 18 विकेट है, 31 ओवर डाल के। और रुखसार अहमद ये भी अच्छा बॉलर है, 26 मैच में 19 विकेट इसके नाम है, 35 ओवर डाल के। और मोहम्मद सज्जाद के नाम 8 मैच में सिर्फ 2 विकेट है। और हमजा इश्तियाक 7 मैच में 5 विकेट है, 9 ओवर डाल के T10 में। तो अभी के लिए जो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो हैं फहीम नाजिर, निसार अहमद, हसन अहमद, जनका वास, नीचे से यहाँ पर इमरान मोहम्मद, सुखविंदर सिंह और रुखसार अहमद। इनमें से ही अपन को प्लेयर पिक करके चलना है। बेंच पर जो प्लेयर हैं उनकी भी यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो अली रजा कैसर हैं, जिन्होंने 1 T10 में 0 विकेट, 1 ओवर डाल के। फैजल सब्बीर हैं, 12 T10 में 10 विकेट है, 23 ओवर डाल के, खेलेगा तो इम्पोर्टेंट है। गुलाम फरीद हैं T10 में, इसके नाम 10 मैच में 3 विकेट है, 8 ओवर डाल के, जबकि T20 में 2 मैच में 3 विकेट है, 7 ओवर डाल के। और यहाँ पर बात करूँ हसन अली की तो 11 T10 में 6 विकेट है, 11 ओवर डाल के, और T20 में 1 मैच में 2 विकेट है, 3 ओवर डाल के। हसनत अहमद अगर ये खेलता है तो ये भी एक अच्छा खासा बैट्समैन है। 16 मैच में 314 रन, 39 का एवरेज, 8 विकेट है T10 में, और T20 में भी 3 मैच में 85 रन, 4 विकेट है। मतलब खेलता है तो बैटिंग बॉलिंग कर सकता है। और मुबासिर हुसैन के नाम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 12 T10 में 114 रन, 2 विकेट है, 2 ओवर डाल के। और रिजवान तनवीर के नाम T10 के 4 मैच में 24 रन, 1 विकेट है, 3 ओवर डाल के, जबकि T20 में 2 मैच में 56 रन है। सद्दात अली 5 मैच में 31 रन है। और शाहरुख भट्ट के नाम 3 मैच में 0 रन है। शाहरुख नवाज के नाम 14 T10 में 252 रन, 22 का एवरेज है, जबकि T20 में 3 मैच में 113 रन, 37 का एवरेज है। और सुलेमान अली के नाम 13 T10 में 13 विकेट है। बाकी जो 3-4 प्लेयर हैं इनके रिकॉर्ड अभी मेरे पास नहीं है। इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओर डालते हैं इमरान मोहम्मद और फहीम नाजिर, डेथ के ओर डालेंगे सुखविंदर सिंह और एच इश्तियाक। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम की। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है इमाद खान को, बैटिंग सेक्शन से रखा है यासिर दुल्लू, जनका वास, निशार अहमद को, ऑलराउंडर सेक्शन से रखा है फहीम नाजिर, साजिद खान अफरीदी और मोहम्मद इमरान को, और बॉलिंग सेक्शन से रखा है बसर खान, इमरान नवीद और जावेद मोहम्मद और सुखविंदर सिंह को। तो ये मेरे 11 प्लेयर्स अभी के लिए रहेंगे। कैप्टन मेरे यहाँ पर साजिद खान अफरीदी है, वाइस कैप्टन फहीम नाजिर है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने आपको बता दिया, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।